ये प्रोटेस्ट आपको तो देख रहे होंगे हमारे प्ले कार्ड्स पे, ये हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं, जो ये मिसिंग फिगर पार्लियामेंट में आया था रिसेंटली, वो मिसिंग फिगर पहले हम चाहते हैं कि वो हमें एग्जैक्ट दे वो क्या है, क्योंकि जो कि हमें बोला गया है उनको अभी ये भी नहीं पता कौन सा फिगर मांगा है। तो हम आज कह रहे हैं हम ये मिसिंग फिगर मांग रहे हैं, एग्जैक्टली क्या फिगर है, ये लड़कियाँ क्यों गायब है, किस लिए गायब हुई है, किन्होंने गायब किया है और कहाँ गई हैं ये लड़कियाँ, हमें ये लड़कियाँ वापस चाहिए यहाँ पे, इनकी फैमिलीज जो सफ़र कर रही हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, जो आगे आ नहीं पाती हैं हमारी सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी मिसिंग है, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं हम इस वक्त। हम चाहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन और उन लोगों के बीच में ब्रिज बने, उनको हेल्प करें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से, जो कि मैंने इससे पहले भी अभी कहा, हमारी लग्जरी जो है ना, हमारी जो दौलत है वो एक लड़की है, उसकी इज्जत है, क्यों ऐसा हो रहा है 2019 से क्यों इतना हुआ ये। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ, मैं मीडिया फेटर्निटी से कहना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली जो G20 हुआ उसको ओवर हाइप किया गया, इलेक्ट्रिक पोल्स जो पेंटेड थे, हमारे बिल बोर्ड्स जो लगे हुए थे, सड़कें कलर की गई थी, वो हमेशा हर दिन वो न्यूज़ हेडलाइंस पे स्प्लैश होती थी, मैक्सिमम हर दिन वो चीज़ें आती थी, इसको क्यों नहीं उस तरह से ओवर हाइप किया जा रहा है, हमारी क्या पहचान है अगर हमारी लड़कियाँ ऐसे गायब होंगी, उनकी इज्जत नहीं कुछ नहीं, तो क्या फ़ायदा इन रंग बिरंगी सड़कों का, दीवारों का, इस चीज़ को और ज़्यादा हाइप करो, इसमें आप लोगों का रोल ज़्यादा है, हमारे साथ जुड़ो, ये एक सिग्नेचर कैंपेन भी है हमारी, हमारे साथ कुछ पोस्टर्स भी है जो हम आपको देंगे, ये आई जो भी आप जानना चाहते हो, आई वॉन्ट टू नो मिसिंग वुमेन JNK, प्लीज़ इसमें आप लोग भी आइए, इस मूवमेंट को जिंदा रखिए, क्योंकि हमारी आपकी भी हम सब की बहनें बेटियाँ कल को कोई भी इसका शिकार बन सकते, वही तो हम जानना चाहते हैं ना कौन शामिल है इसमें, चाहे जो भी शामिल हो उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे वुमेन सेफ्टी को लेके इनिशिएटिव्स तो बनाए, क्या उनको लेके आगे इनको अवेयर किया, कहाँ है इनिशिएटिव्स? और अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियन कोई भी होता है इन्वॉल्व, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। ये इसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे, ये एक कैंपेन हमने आज शुरुआत की है, कैंपेन की आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से, जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट के द्वारा एक आंकड़े हमारे पास आए थे, जो 9765 उन्होंने राष्ट्रीय आंकड़े दिए थे कि इतनी वुमेन जो है मिसिंग है जम्मू कश्मीर से, इन्होंने बयान तो दे दिया, हलबली मची यहाँ पे, लोग परेशान हो गए। हमारी बहुत ही सिंपल डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप रिपोर्ट पेश कीजिए, ये कहाँ से है, क्या है, क्यों गया, क्यों हुआ ऐसे, दूसरा ये है कि कौन है ये लोग, और तीसरा है कि वो कहाँ है आजकल। तो हमारी LG सरकार से बहुत ही सिंपल डिमांड है कि आप ऑफिशियली इसके बारे में एक रिपोर्ट पेश कीजिए, क्या वाकई में ऐसे हुआ है या आपने यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए और दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बोला है। मैं चेयरमैन मीडिया कमेटी जम्मू एंड कश्मीर आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं आज यहाँ बैठा हूँ कश्मीरी बन के, मैं आज वो आदमी बन के बैठा हूँ जिसकी एक माँ, जिसकी बहन, जिसकी एक बेटी गुमशुदा है। हम पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में बोला जाता है कि कश्मीर JNK से 9765 मिसिंग दे एंड द एज इज़ फ्रॉम 18 टू अबो टू एनी एज। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, अगर ये मिसिंग है तो ये मिसिंग वाले कौन है? अगर आप किसी गिनती पे पहुंचते हो तो आप ये समझते हो कि आपने एक एक इंसान की गिनती की है। हम पहला सवाल हम ये करना चाह रहे हैं कि वाई ये ऐसा क्यों हुआ। दूसरा हमारा सवाल ये है कि हु आर दे, ये कौन लोग हैं और इसकी वजह क्या है। एंड आज हम पूछना चाहते हैं वेयर आर दे, और हम आज LG साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आज के दिन में ये ट्रैफिक हो रही है और आज के दिन में ये ट्रैफिक रोकने के लिए आपके पास कोई इंतजाम है? आपके पास अगर टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, ये रोड साफ करने का डिपार्टमेंट, पेंट करने डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आप हमारी कश्मीरियत, हमारी इज्जत, हमारे तशक्कुस को बचा सकते हो? एक कश्मीरी निकला है, मैं ये पार्टी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, हर एक कश्मीरी जानना चाहिए। साहब हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि आज उसकी बहन गई है, आज इसकी माँ गई है, हमारे घर से कल बेटी हमारी गायब हो जाएगी और पूरी दुनिया के चक्कर काटने के बाद भी हमको पता नहीं होगा कि हमारी बहन और बेटी पूरे हिंदुस्तान से थर्ट। हम ये चाहते हैं कि LG साहब को तीन सवालों का जवाब दे जो हमने पोस्टर में लिखे हैं। वन क्वेश्चन इज why this happened, आपके सिस्टम में क्या कमजोरी है जिसकी वजह से हुआ। दूसरा हमारा सवाल है हु, अगर हम 9765 बोल रहे हैं, हु आर दोस 9765? और हमारा तीसरा सवाल है वेयर, आज वो कहाँ है, क्या आप ट्रेस करने के लिए उनके कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? That's it. उनकी फैमिली भी इसकी जिम्मेवार है, क्योंकि जब भी कोई मिसिंग होती है तो जरूरी रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट ही नहीं है तो सर फैमिली तो तब जिम्मेवार होगी ना जब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जो फिगर दे रहे हैं 13.13 लाख का फिगर दिया जाता है।
है, यानी अगर हम स्टेट में डिवाइड करो तो हर स्टेट में 1 लाख लोग गायब है और उसके बारे में कोई सिस्टम ही नहीं बनाया जाता है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में कोई चिंता की है? क्या हमारे एलजी साहब ने इसके बारे में कोई चिंता की है? हम ये जानते हैं, हम दूसरे स्टेट्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये कश्मीर जो है, ये कश्मीर एक लल दर्द की जगह है। लल दर्द की जगह से अगर एक भी बेटी जाती है, हम ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।